हे, दिस इज शिव कुमार। आज हम लोग बात करेंगे वन मोड वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम लोग ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक अच्छी सारी कॉलेज आती है, जिसका नाम है एमएलएसएम कॉलेज। जी हाँ, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह कॉलेज, जो एक काफ़ी रिप्यूटेड कॉलेज है दरभंगा में। यहाँ तक कि ये इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा पायदान रखता है, यानी कि काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज है। यहाँ तक कि इस अंतिम कुछ सालों में तो नंबर वन कॉलेज ये बन चुका है। आइए बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में। लोग जानेंगे क्या क्या, जैसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बैंक फैसिलिटी, कैंटीन, जितने भी सारे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब है, चाहे क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इंटरमीडिएट क्लास होगी कि नहीं होगी, और यूजी एंड पीजी कोर्स में क्या क्या होता है, या जितने भी क्या गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज़ कॉमन रूम, यानी कि जितने भी सारे इसके ब्लॉग्स है, सिनेमेटिक्स है, एक बाहर नदी भी है, जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या फैसिलिटी है, कि ए टू जेड इस वीडियो में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हे, दिस इज शिव कुमार और एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे एमएलएसएम कॉलेज के बारे में। जी हाँ, जो कथलवाड़ी दरभंगा बिहार में है। जी हाँ, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर। वैसे सबसे पहले पे आता है सीएम साइंस कॉलेज, जिसका एक ब्लॉग्स आपको बहुत ही जल्दी दिखाया जाएगा और रिव्यू भी। और ये अब आजकल मतलब कि पीछे 2-3 साल में नंबर वन पे आ गया है, लेकिन शुरू में ये नंबर दो पे थे और आज भी नंबर दो पे है। सो आइए बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं इसके बारे में कुछ। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर जितने भी नए वीडियो आए और वो आपको जैसे कॉलेज से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, रिव्यू हो या जितने भी रिलेटेड ब्लॉग्स हो, जैसे कि हिस्टोरिकल पैलेस हो जाए, टूरिस्ट पैलेसेस हो जाए, हॉली पैलेसेस हो जाए, या जितने भी सारे अच्छे अच्छे जगह बिहार में वो से देखने हैं। तो सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। ये देखिए, ये यहाँ एमएलएसएम कॉलेज का मेन गेट जो दरभंगा में है, काफ़ी आई थिंक पुराना भी है और अच्छा भी है। उससे पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको हिस्ट्री, यानी कि इसका इतिहास क्या रहा है और क्या है, और उसके बाद बात करेंगे कोर्सेज की, यहाँ पर आप क्या कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस किस क्लास की पढ़ाई होती है, और जितने भी रिलेटेड कोर्सेज है, रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लेंगे। और उसके बाद बात की जाएगी फैसिलिटीज़ की, यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कॉलेज के द्वारा, हॉस्टल है कि नहीं। उसके बाद एक सिनेमेटिक्स ब्लॉक दिखाया जाएगा आपको, आई थिंक काफ़ी अच्छा हो। और उसके बाद हम लोग जानेंगे उससे रिलेटेड कुछ सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस कॉलेज से बारे में जितनी भी सारी सूचनाएँ हैं, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है जो देने लायक है, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। सो अंत तक ज़रूर देखें और एक्सपीरियंस गेन करें कैसा कॉलेज है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहे प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद, यानी कि काफ़ी ऑनरेबल है वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा कार्य किया है इन्होंने भी। और बात की जाए लोकेशन की, तो ये एमएलएसएम कॉलेज जो कथलवाड़ी दरभंगा में है, जो 8460004 वहाँ का पिन कोड हुआ, और काफ़ी अच्छा ये लोकेशन भी है। जैसे कि आप मेन रोड से उतरिएगा, आपको बगल में ये आपको दिख जाएगा। बात की जाए हिस्ट्री की, जी हाँ, जैसे कि इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, मगर ये उस वक्त उतना हाईलाइट नहीं हो पाया, मगर जैसे ही 1984 में यहाँ पर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये सारे ब्लॉक्स आए, उसके बाद धीरे धीरे ये अपना वर्चस्व फैलाता गया। और यहाँ तक कि आज की बात की जाए तो मतलब कि सिर्फ दरभंगा ही नहीं, बल्कि मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और काफ़ी सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं और बच्चे यहाँ पर आते हैं और काफ़ी यहाँ पर मतलब कि पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा है। और बात की जाए किसी ने बनाया, किसी ने पेट्रोन है, यानी कि शासक थे जिनका नाम था राजकुमार सुरेश्वर सिंह जी, जिनका निक नेम था कुमार साहेब जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बात की जाए उनका ये फोटो रहा, जिन्होंने काफ़ी महारत हासिल की और एक कम से कम कॉलेज बना कर गए, जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा हो। और बात की जाए इन्फॉर्मेशन की, इस वीडियो में कौन कौन सी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ दरभंगा, जी हाँ, ये दरभंगा का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, यहाँ तक कि सेकेंड पोजीशन पूरे दरभंगा में रखता है, जिसकी मान्यता मिली हुई है ये काफ़ी मतलब कि इसे मान्यता मिली हुई है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। और सारी बात की जाए तो यहाँ ये UGC से अप्रूव्ड भी है और NAAC के द्वारा ग्रेडेड B+ दिया गया हुआ है। ये एक नदी के किनारे में है, मतलब कि एक जैसे कि आप कॉलेज से बाहर निकलिएगा तो आपको एक या एंट्री भी कीजिएगा उस वक्त भी आपको बाहर में एक नदी दिखेगी, वो नदी नहीं बल्कि तालाब है जिसका नाम है हराही लेक, काफ़ी अच्छा है। मतलब कि बात की जाए स्पेशली इवनिंग की तो उस वक्त काफ़ी अच्छा लगे आपको नदी का व्यू देखकर। और सारी बात की जाए फैसिलिटीज़ की, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आप जिसमें बता दो इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पर, ओल्ड बिल्डिंग्स अलग है, न्यू बिल्डिंग्स अलग है और काफ़ी सारे रूम्स भी है अलग अलग बिल्डिंग्स की। और बात की जाए बैंक फैसिलिटीज़ की, जी हाँ, कैंपस के अंदर ही ATM की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है जो कैंटीन के नीचे है। और कैंटीन की बात कर ले तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज है, यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज होना चाहिए कैंटीन के लिए या बैंक के लिए, तो सारे फैसिलिटी वहाँ पर
अवेलेबल है। और सारी बात की जाए फैसिलिटीज की, वहाँ पर आप कौन कौन सारे गेम खेल सकते हैं, तो खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन, और काफ़ी सारे गेम्स है जो वहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं, यानी कि इंडोर हो या आउटडोर हो, यानी मतलब काफ़ी सारे गेम है जो वहाँ पर आप खेल सकते हैं। प्ले ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, आपको दिखाया जाएगा ब्लॉक्स में, काफ़ी अच्छे है, पूरा ग्रीनी नेचर है वहाँ का, काफ़ी अच्छा है। जी हाँ, लाइब्रेरी की बात की जाए तो काफ़ी सारे बुक उसमें है, यहाँ पर चाहे वो पुराना बुक हो, नया बुक हो, या कोई भी धार्मिक बुक हो, सारे बुक वहाँ पर अवेलेबल है, और काफ़ी सारे मतलब स्टेबल एंड सफिशियंट स्पेस है, यानी कि स्पेस काफ़ी है, मतलब कि स्पेस काफ़ी है वहाँ पर पढ़ने के लिए। और सारी बात की जाए रूम्स की, जी हाँ, तो बॉयज़ कॉमन रूम्स अलग है, गर्ल्स कॉमन रूम्स अलग है, और लैब की बात की जाए तो फिजिक्स लैब अलग है, केमिस्ट्री लैब अलग है, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट भी जितने सारे हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग है। और मैं एक बात इसमें बोलना भूल गया कि यहाँ पर अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग दोनों की फैसिलिटी है, अगर आप बाहर से तो नॉन अटेंडिंग भी करवा सकते हैं। वैसे कॉलेज का इस साल का क्या रूल्स है सो नहीं कहूँगा, मगर अब तक जो था वो मैंने बताया, वैसे बिहार है तो कुछ भी संभव है, बाकी आप समझदार है। आइए आगे बात करते हैं। और बात की जाए फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर NCC और NSS दोनों की तैयारी कराई जाती है। NCC के बारे में आपको पता ही होगा, नेशनल कैडेट कोर्प्स भी होता है, और NSS में यहाँ पर NSS का कुछ अलग नियम है, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हैं, जो NCC में है वो NSS में नहीं इनरोल कर सकते हैं, ये सारे कुछ इसके नियम से। यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाला अलग है, और बात की जाए जितने भी सारे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। और सारी बात की जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की, तो वहाँ पर दोनों क्लासेस, मतलब कि दोनों क्लासेस उपलब्ध है, जैसे कि लॉकडाउन हो चुका है इसके कारण ऑफलाइन क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस भी दी जा रही है, वो भी सारे सब्जेक्ट की, यहाँ तक कि हर सब्जेक्ट का PDF उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल भी है। और बात की जाए ऑफिशियल वेबसाइट की, वो है www.mlsmlnmu.ac.in, इस पर आप जाकर देख सकते हर कोर्सेस का, हर सब्जेक्ट का आपको PDF एकदम पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाएगा उसके साइट्स पे। और सारी बात की जाए हॉस्टल की, तो हॉस्टल की वहाँ पर अपना हॉस्टल तो वहाँ का है नहीं, लेकिन हाँ उसके अगल बगल में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल हैं जहाँ से आप हॉस्टल ले सकते हैं। और अब बार ये कोर्सेज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप क्लास 11th और 12th दोनों हर स्ट्रीम में, यानी कि चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, ब्लॉक्स, ये तीनों स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रीम से आप वहाँ पर इंटर कर सकते हैं आप। और बात की जाए UG और PG दोनों कोर्स भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि BSc, BA, BCom और जो भी PG कोर्स है वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ तक कि वोकेशनल कोर्स की भी तैयारी कराई जाती है। आप बात की जाए कोर्सेज में, तो कोर्सेज में ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसके आप गो थ्रू हो सकते हैं, ये सब्जेक्ट आप वहाँ पर BSc करने के लिए ले सकते हैं, और इस सबका अलग अलग डिपार्टमेंट भी वहाँ बनाए गए हुए हैं, यहाँ से आप इसका गो थ्रू हो जाइएगा। ये रहा ऑफिशियल साइट्स, चाहे वो ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और ये एड्रेस हो गया, ये सारे ऑफिशियल साइट्स है जिससे आप गो थ्रू हो जाइएगा। और ये देखिए कॉलेज का व्यू है, जो आई थिंक काफ़ी अच्छा है दरभंगा में, तो जस्ट काफ़ी अच्छा है दरभंगा के लिए ही। और बात सारी की जाए तो ये रहा मेन गेट्स है, जो MLSM कॉलेज दरभंगा है वो आपको बताया जा रहा है, और ये अलग अलग इनसाइट व्यू है जो कॉलेज के अंदर की भी जिससे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि आपको सिनेमेटिक्स ब्लॉक्स भी दिखाया जाएगा, मगर आपको जो अच्छे अच्छे इमेज है जो कैप्चर किए गए वहाँ से वो आपको दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री लैब है, और वहाँ पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बगल में आपको दिख रहा होगा। और सारी बात की जाए ये देखिए रहा केमिस्ट्री लैब आपका, और ये देखिए अंदर का इनसाइट व्यू है, काफ़ी अच्छा है, आप इससे देख सकते हैं। और बात है ब्लॉक्स की, आइए ब्लॉक्स देखते हैं। हाँ ना,